रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए हमें कम से कम दो सुविधाएं चाहिए, साफ़ पानी और स्वच्छता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सीहोर डिस्ट्रिक्ट की तहसील रहती में स्थित आदिवासी गांव के सूरत का अगर जायज़ा लगाया जाए तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ सब ठीक ठाक है, आम ज़रूरियात की सुविधाएँ मौजूद हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी सुविधाओं की यहाँ कमी है, जैसे कि स्कूल, टॉयलेट्स, हेल्थ क्लिनिक, पक्की सड़कें और उनकी सफाई। ये तमाम चीज़ें दो साल से यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये बदलाव HDB की वजह से है और स्वस्ति संस्था ने इस काम को बुनियादी तौर पर अमल किया है और यहाँ के लोग ये बदलाव देखकर बहुत खुश हैं। पहले बहुत गंदी पीते थे, बीमार होते थे लोग सब होते थे, गर्मी के टाइम खूब हवा चलती थी, पन्नी गिर जाती थी। जब भी पीते थे अब किस कौन से बोलते थे आप ये है, तो अब साफ सुथरा हो गया तो अब कोई बीमारी भी नहीं आएगी और अच्छा पानी भी पिएंगे और इसको यूज भी करते हैं और बाहर से भी आती है टंकी में पानी, इससे भी होता है। पहले हमारे स्कूल में गेट नहीं थे, हाँ। हमारे स्कूल में बागुर थी पहले, हाँ। पहले वहाँ के फिर टूटेल थे, टूटी नहीं थी पहले, और पहले टंकी में थी, पहले हेडपम्प बताओ था। तो बच्चे क्या है जो हेडपंप से ही जैसा पानी आता था, गंदे पानी आता था, बेचारी मजबूरी में उसको एक घंटा चलाना पड़ता था, वो ही गंदे पानी से है जो हाथ धोते थे कभी कभी खाना खाने से पहले। अब है जो पानी स्वच्छ आता है, हम हेडपंप का ज़्यादा उपयोग नहीं करते, इस समय नल का उपयोग करते हैं। अब मेरे घर पे आप तो कीचड़ मच रहा इतना इतना, तो मैं दूसरे को कैसे दूं कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, मैं उनको दे जाऊं, वो मुझे ही बोल दे कि आपके घर के सामने तो इतना कीचड़ मच रहा, लेकिन आज वो नल सुधरने से तो मेरा घर पास भी सब रोड तो खराब हो रहा, झाड़ा सब हो रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी वाहन आता था, कोई रोकता था तो बिल्कुल दिक्कत आती थी, वो घर में आके रोकता था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो वहाँ सूखा है। यहाँ पर काम करने का मेन उद्देश्य ये था कि जैसे टॉयलेट नहीं थी तो लड़कियाँ बाहर टॉयलेट के लिए जाती थी और दूसरी बात गंदगी रहती थी तो एक तो बीमारी उत्पन्न होती थी, तो स्कूल पूरा अटेंड नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ कि जैसे स्वच्छता पानी की व्यवस्था हो गई है तो अब बच्चियाँ या जो बच्चे हैं वो यहाँ तो स्वच्छता का विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उनके घर तक भी जा रहा है, उनके छोटे बहन भाई हैं वो भी देख के ये चीज़ कर रहे हैं। पहले हम क्या है गंदगी की वजह से बदबू आती थी यहाँ पर, जो है कचरा उड़ के आ जाता था, खुला था एकदम, तो हमें मन नहीं लगता था पढ़ाने में, लेकिन अब जो है हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि एक प्राकृतिक माहौल बना दिया है यहाँ पर जो है पेड़ पौधों के द्वारा, पानी के द्वारा जो है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। और माहौल क्या, वो हमारे गाँव के लोग भी आते हैं, देखते हैं, फुर्सत टाइम में आके बैठते हैं, पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले जो हमारे यहाँ है ना एक नाली थी, वहाँ से गंदगी स्कूल तक आ जाती थी, पर अब इसके बाद ग्राउंड बनने के बाद है ना अब स्कूल तक गंदगी नहीं आती थी। बेचारा यहाँ कहीं स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, बिशप करने कहीं लेटरिन जाने बाहर जाता था, अब इसका भी व्यवस्था पूरी बन गई, अब टंकी बन गई, पानी पानी भी आ जाएगा, तो पूरी व्यवस्था हो गई पूरी और सुमला देरी स्कूल में। मैडम बहुत कचरा कूड़ा पड़ा रहता है और ढोर मवेशी उन भरा जाते, अब हमारी ये बाउंड्री होने से बहुत अच्छी काफ़ी सुधार आ गई है, स्कूल में भी सभी फायदा होगा। अच्छा, जो बच्चों का खाने से पहले हाथ धोना, वो सारी समस्या हो गई, लेट बाथरिंग बाथरूम में शौचालय जाना, वो समस्याएं दूर हो गई, मतलब इससे दैनिक स्थिति उनकी बदल गई। बच्चे यहाँ भी हाथ धो के खाना खाते या शौच के बाद भी साबुन से हाथ धोते, वही सब घर पे भी मांग करते हैं। बस यहाँ से दिख रहा है, वो वहाँ से भर के लाते थे, वो मतलब बहुत दूर जगह है वहाँ पर, वहाँ से फिर इन लोगों ने वो पूरा उसको पैक कर दिया, वो वहाँ वो दिख रहा है कुआ, वहाँ से लाते थे हम लोग पानी। आज ये मोटर लाइन ये लग के टंकी बनने से हमें बहुत फ़ायदा हो गया।
तो इन्होंने एक टंकी बनाई, उसके ऊपर एक और टंकी है, तीन टंकियां हैं, मतलब टंकी के ऊपर टंकी, फिल्टर बोलते हैं उससे। तो उसमें मतलब ऊपर वाली टंकी में रेत गिट्टी और बड़े बड़े ईंट के रोड़े बड़े बड़े ये डाल के उसको भर दिया, उसमें फिर पानी डाला गया, फिर उसका पानी छन के नीचे वाली टंकी में आया और वो पानी मतलब बिल्कुल साफ पानी है, आप उसको पीते हैं हम। इन दोनों संस्थाओं की बदौलत है जो मध्य प्रदेश के गांव में ये बदलाव आया है। इन्होंने यहाँ लोगों का सिर्फ दिल नहीं जीता है, बल्कि अब तो इन लोगों का अरमान है कि हमारे गांव की तरह HDB और स्वस्ति भारत के तमाम गांवों को ऐसा स्वच्छ और सुंदर बना सके। और हमने हरे भरे पौधे लगा दिए, इसलिए हमारी स्कूल अब हरी भरी हो गई है।